नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने आतंक मचा रखा है, लेकिन अब तालिबान के लिए बुरी खबर आई है, क्योंकि अब उस देश ने तालिबान को चुनौती दी है जिससे तालिबान वाकई खौफ खाता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंक के खिलाफ जंग को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता जता दी है। जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी मिशन पर अपना फोकस केंद्रित रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की जरूरत करता है तो उसका करारा जवाब मिलेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि हम अपने आतंकवाद विरोधी मिशन पर एक लेजर फोकस बनाए रखने जा रहे हैं। अपने सहयोगियों, साझेदारों और उन सभी ताकतों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से उन्हें घर तक पहुंचाने का वादा किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों से कहा कि हम आपको घर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने तालिबान को चेताते हुए कहा कि हम अमेरिकी सैनिकों पर तालिबानी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी मिशन जारी रखेगा। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान को हमने स्पष्ट कर दिया है कि काबुल एयरपोर्ट पर किसी भी अमेरिकी सैनिक पर हमला या फिर हमारे ऑपरेशन में बाधा पहुंचाने पर करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके के आतंकवादी खतरे को लेकर भी अपनी निगाह बनाए हुए हैं, फिर चाहे वो खतरा वहां के ISIS का ही क्यों ना हो। बाइडेन ने पिछले हफ्ते की घटना को दिल दहला देने वाला बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन लोगों को निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इन तस्वीरों को देख सकता है और मानवीय स्तर पर उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। बाइडेन ने कहा कि लेकिन अब मैं इस काम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जो बाइडेन का कहना है कि हम लोग किसी भी हालत में अफगानिस्तान को आतंकी जमीन नहीं बनने देंगे। वहां जो हालात है वो बेहद चिंताजनक है। 20 सालों के संघर्ष के बाद अफगानिस्तान की हालत फिर ऐसी हो गई है जो कि गुलामी की जंजीरों से बंधी हुई है। देखना होगा कि क्या तमाम बड़े देश अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आते हैं या नहीं। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।